नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी के कानपुर में खेत से मिट्टी लेने गई दलित किशोरी के साथ दबंग युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग किशोरी को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने बाल्मीक समाज की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया है। पूरा मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र के हरिहरपुर का बताया गया है। जनपद मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक डबल डेकर बस अचानक नियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि डबल डेकर बस कानपुर से दिल्ली जा रही थी, इसी बीच माइलस्टोन 56 के समीप डबल डेकर बस अचानक नियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। मौके पर चीख पुकार मचने के बाद सुरक्षा कर्मियों और इलाका पुलिस ने रेस्क्यू चलाकर सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया। जनपद हाथरस में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मामला कोतवाली चंदपा क्षेत्र के गाँव ददना का बताया गया है। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन द्वारा करबी में राष्ट्रीय रक्षा कोरोना योद्धा सम्मान समारोह व सैनिटाइजर मास्क वितरण और विशेष चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कामतनाथ प्रमुख मौजूद रहे। इस दौरान जिले के वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवियों को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र सौंप कर उन्हें सम्मानित किया गया। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं ने राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। जिला गाजियाबाद में किराना व्यापारी से हथियारों के बल पर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने आतंकित कर किराना व्यापारी से सोने की ब्रेसलेट और अंगूठी लूट ली। यह पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले में जांच कर कार्रवाई कर रही है। घटना कोतवाली घंटाघर के किराना मंडी इलाके में घटित हुई। जनपद चित्रकूट में 8 वर्षों से 5 मुकदमों में बांछित चल रहे 40,000 के इनामी कुख्यात बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामा और फिर राज बहादुर इनामी बदमाश को पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के निर्देशन में गैंगस्टर अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन क्लीन के तहत कुख्यात मामा को गिरफ्तार किया गया है। मामा के पास से पुलिस ने 12 बोर का एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। कांग्रेस शासित राज्यों में साधु संतों की हत्या पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर हमला बोल दिया। मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि राहुल और प्रियंका सिर्फ हाथरस पर राजनीति करने गए थे। कांग्रेस शासित राज्यों में लगातार साधुओं की हत्या की जा रही है, इस पर वो क्यों खामोश है? उन्होंने कहा कि उन्हें जवाब देना होगा। आखिर कांग्रेस शासित राज्यों में साधु संत पुजारियों की हत्या क्यों हो रही है? जनपद मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में 3 तलाक का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महावन के रहने वाले अनबार ने अपनी 2 बेटियों की शादी धूमधाम से की थी, लेकिन दहेज में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी न देने के चलते दोनों लड़कियों को 3 तलाक दे दिया गया। इस मामले में दोनों लड़कियों के पिता ने महावन थाने में दहेज एवं 3 तलाक का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के गुर्गे के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की गई। बच्चा पासी की अवैध बिल्डिंग पर सरकारी बुलडोजर गरजा तो हड़कंप मच गया। आपको बता दें, बच्चा पासी के खिलाफ कुल 24 मुकदमे दर्ज हैं। D46 गैंग का सरगना बच्चा पासी कई महीनों से फरार चल रहा है। मुंबई में काला घोड़ा सूट कांड का कुख्यात अपराधी है बच्चा पासी। जनपद बुलंदशहर में ट्रक ड्राइवर की हत्या कर लूट करने वाले गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। 24 सितंबर को माल से भरे ट्रक को लूट कर ट्रक ड्राइवर की हत्या की गई थी। पकड़े गए अभियुक्त दीपू के कब्जे से महिंद्रा पिकअप गाड़ी, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पासू पल्ला झाल के निकट से बदमाश को गिरफ्तार किया है।